वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की इस ऑनलाइन स्टडी में हम IEC का नया टॉपिक UPS लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग UPS के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम UPS के बारे में। UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब ये होता क्या है देखेंगे। जब मेन पावर सप्लाई फेल्योर हो जाता है तो UPS शॉर्ट टाइम के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इस चीज़ को, इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं एक कंप्यूटर का एग्जांपल लेती हूँ। आपने देखा होगा कंप्यूटर में क्या होते हैं, UPS नीचे लगे होते हैं। ठीक है ना, देखिए उसका वर्क क्या होता है। जब हम लोग कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे होते हैं, है ना, तो उससे उस डेटा को सेव करना होता ही है। अगर हम डेटा को सेव नहीं करेंगे तो वो तो लॉस्ट हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं और अगर कभी अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो भी कंप्यूटर हमारा थोड़ी देर के लिए चलता रहता है, और उस थोड़ी देर के चलने के टाइम में ही हम क्या करते हैं, डेटा को सेव कर लेते हैं, है ना। यानी कि जो भी हम लोगों ने टाइपिंग की है या फिर जो वर्क किया उस डेटा को सेव कर लेते हैं। ठीक है, बट अगर UPS नहीं लगा होगा कंप्यूटर में तो जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद वो सारे के सारे डेटा तुरंत के तुरंत, मतलब कि एकदम सेकंडों सेकंड में वो डिलीट हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कंप्यूटर में UPS लगता है। UPS का मेन वर्क ही होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर हो जाती है तो उस समय भी वो आउटपुट देता रहता है ताकि जो डेटा है उसको सुरक्षित रखा जा सके, है ना। बट इनकी एक टाइम लिमिट होती है क्योंकि बैटरी का बैकअप शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ज़्यादा टाइम के लिए UPS वर्क नहीं करता, उतने टाइम में जो भी आपको डेटा सेव करना आप सेव कर लो। देखिए इसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। ये UPS का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें कि यहाँ पे AC से DC, ये एक रेक्टिफायर होता है। ठीक है ना, ये एक रेक्टिफायर होता है जिसका वर्क होता है AC को DC में कन्वर्ट करना। यानी कि यहाँ इनपुट समय 220 वोल्ट की AC मिल रही है। ठीक है, अब ये रेक्टिफायर क्या करता है, उस AC को DC में कन्वर्ट करता है। अब ये DC क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है ना। अब बैटरी को चार्ज करने के बाद अब ये इन्वर्टर में जाता है। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट कर देता है और ये AC हमें लोड को मिलने लगा। तो ये तो था कि UPS कैसे वर्क करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ UPS के बारे में कि UPS का रोल क्या होता है। फर्स्ट, करेक्टेड आ वोल्टेज स्पाइक्स, यानी कि वोल्टेज में आए स्पाइक्स को करेक्ट करता है। जैसे देखिए एक साइनसोडल वेव बनाई गई, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक साइनसोडल है। अब उस वेव में ये ब्लैक कलर का दिखाया गया है स्पाइक्स, एक्स्ट्रा स्पाइक्स आ रहे हैं, तो इस स्पाइक्स को क्या करता है, UPS रिमूव करता है। पहला तो ये वर्क हो गया कि मतलब वोल्टेज में आए स्पाइक्स, जो एक्स्ट्रा स्पाइक्स हैं उसको रिमूव करता है। सेकेंड, इसका वर्क क्या होता है, रिमूविंग नॉइस, यानी कि उस वोल्टेज में आए जो नॉइज़ होते हैं, अननॉइज़ का मतलब होता है अनवांटेड सिग्नल, उसको हटाता है। थर्ड हम लोग करें हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस, यानी कि जितने भी हार्मोनिक के कारण डिस्टॉर्शंस होते हैं उसको भी वो ख़त्म करता है। तो ये तो था रोल ऑफ UPS की, UPS का रोल क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ UPS के बारे में, है ना। तो जनरली UPS सिस्टम है वो टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट आपका हो जाएगा ऑनलाइन UPS, सेकंड हो जाएगा ऑफलाइन UPS। ठीक है, अब ऑनलाइन UPS क्या होते हैं, ऑफलाइन UPS क्या होते हैं वो मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बारी बारी से दोनों का ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, दोनों के बारे में समझेंगे, उसके बाद कंपेरिजन करना आसान हो जाएगा कि ऑनलाइन UPS क्या होता है और ऑफलाइन UPS क्या होता है। क्योंकि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन UPS होते हैं और ऑफलाइन UPS क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे UPS ऑफलाइन UPS के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ये देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम है ना। यहाँ मेन पावर सप्लाई से हमें पावर मिल रहे हैं, इसके दो पाथ हैं। फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम दिखाता है सर्ज सप्रेसर, दूसरा फिर यहाँ से जो आउटपुट मिलती है वो फिल्टर में जाती है, और फिल्टर के बाद एक ट्रांजिस्टर स्विच लगे होते हैं, इसके थ्रू होते हुए लोड को जाती है। ठीक है, लेकिन अभी इसको समझेंगे। दूसरा पाथ मेन सप्लाई का होता है, तो वो मेन सप्लाई किस में जाता है, रेक्टिफायर में, जहाँ पे AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। फिर बैटरी लगे हुए हैं, बैटरी के बाद इन्वर्टर लगा हुआ, फिर इन्वर्टर से जो आउटपुट मिल रही है वो फिर ट्रांजिस्टर स्विच में उसका कनेक्शन होता है, और फिर यहाँ से लोड को करते हैं। तो ये तो था ब्लॉक डायग्राम। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले
यहाँ तो दो पाथ दिखा गए, फर्स्ट पाथ, दिस इज़ द फर्स्ट पाथ एंड दिस इज़ द सेकंड पाथ। ऑफलाइन यूवीएस की मैं बात कर रही हूँ कि कब का फर्स्ट पाथ को फॉलो करता है और कब सेकंड पाथ को फॉलो करता है। जब मेन सप्लाई, जब इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है तो उस समय जो यूपीएस जो है था फर्स्ट पाथ को सप्लाई करता है, यानी कि जब मेन पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो उस समय जो पावर होती है वो सबसे पहले किस में जाता है, सर्ज सप्रेशर में जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर्ज सप्रेशर करता क्या है। सर्ज सप्रेशर का वर्क होता है कि जो वोल्टेज हमें मिल रही है यहाँ से, उसकी में जो स्पाइक्स आते हैं उस स्पाइक्स को रिमूव करता है। ठीक है ना, अब स्पाइक्स रिमूव कर दिया तो अब जो आउटपुट हमें मिली वो फिल्टर में गई। फिल्टर का क्या काम होता है, अनवांटेड सिग्नल को हटाना, ये अनवांटेड सिग्नल को रिप्लेस करता है। और फिर उसके बाद ये ट्रांसफर स्विच में जाता है, ट्रांसफर स्विच के थ्रू वो जो आउटपुट है वो लोड को मिलती है। अब लोड कंप्यूटर भी हो सकता है, जिससे कि कंप्यूटर आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन इन केस जब लाइट चली जाती है और उसी समय जब मेन सप्लाई से पावर मिल रहा है और मतलब कि ट्रांसफर स्विच के थ्रू हमें लोड को मिल रहा है, तो उसी समय होता क्या है कि वही सप्लाई यहाँ भी आती रहती है। यानी कि उस सप्लाई के कारण ये रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और डीसी से बैटरी चार्ज होती है और बैटरी से जो वोल्टेज हमें मिल रही है वो क्या हो रही है, इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। यानी कि जब ये वर्क करता है तो उस समय दूसरे साइड से इन्वर्टर भी क्या कर लेता है, उसको एसी स्टोर करके रखा रहता है। यानी कि यहाँ पे एसी पहले से स्टोर रहती है और वो पहले कन्वर्ट करके आती है। ठीक है, जब मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना कुछ टाइम के लिए, तो उस समय वो जो पाथ होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो इसका मतलब कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस समय होता क्या है कि मेन सप्लाई से जो पावर होती है वो इस पाथ को फॉलो करती है, और पाथ को फॉलो करने के बाद ये जैसे मैंने बताया कि रेक्टिफायर ए सी को डी सी में कन्वर्ट करता है। अब जो इन्वर्टर से, उस समय जो इन्वर्टर से मुझे ए सी मिल रहा है वो ट्रांसफर स्विच में जाएगा, और ट्रांसफर स्विच यानी जो लोड होगा, लोड फिर उस समय किससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट ना हो करके इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे कनेक्ट ना हो कि इससे कनेक्ट हो जाएगा, और हमें कंप्यूटर पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी थोड़ी टाइम के लिए, जिससे कि हम लोग फटाफट डेटा को सेव कर लेते हैं। थैंक यू।